आप अपना नाम बताइए, क्या करती हैं? जी, मेरा नाम कुमारी अनुपम सिन्हा है जी। हम जिला औरंगाबाद जी गो क्षेत्र से जिला पार्षद हैं, क्षेत्र संख्या 5 के। अच्छा अच्छा, तो ये बताइए आप तेजस्वी यादव के समर्थन में यहाँ पर आए हैं राजद की तरफ से? जी, उनकी पार्टी से हम भी पर्चा दिए हैं अपने टिकट लेने के लिए गो विधानसभा से। मतलब चुनाव लड़ना है? चुनाव लड़ना है। ये बताइए मुद्दा वगैरह क्या रहता है इस बार, मुद्दा कुछ है कि बस? मुद्दा भी है, मुद्दा है कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। इतने साल से तो कोई दे नहीं पाया, आप कैसे दीजिएगा? तेजस्वी आएंगे तो कैसे दे देंगे? देने की कोशिश करेंगे, जो इतने साल से नहीं मिला। अब मान लेते हैं इतने साल से नहीं मिला, जहाँ हजारों की भीड़ है वहाँ अगर कोशिश करेंगे तो कुछ को तो जरूर मिलेगा। कुछ कुछ को देने से कुछ नहीं होगा, सबको देना होगा। सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते हैं तब ना ऊपर छत पे जाते हैं। समय लग जाएगा? नहीं, समय कैसे? लालू यादव की भी सरकार थी 15 साल। लालू यादव की सरकार थी तो लालू यादव ने बीपीएससी से टीचर की बहाली किए थे। आज आज टीचर की जो बहाली नीतीश जी किए उसमें क्या है आप बता सकते हैं? क्या बहाली की है? लालू जी की बहाली और नीतीश जी की बहाली में क्या फर्क है? क्या नीतीश जी लालू जी बहाली नहीं किए थे? क्या प्रोफेसर की बहाली नहीं किए थे? बताइए नीतीश जी कितने प्रोफेसर की बहाली किए हैं? तो मुख्यमंत्री किसे देखना चाहते हैं तुम? अभी तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं? यादव को देखना चाहते हैं? पूरा बिहार, पूरा बिहार की पुकार है तेजस्वी सरकार की। तेजस्वी यादव की सरकार बने, सरकार बनेगी उनकी। अच्छा, तो तेजस्वी में कहा जाता है अभी रघुवंश प्रसाद है अलग हो गए, तो क्यों भाई, ऐसा क्या मतलब दिक्कत आ गया? वो किसी अलग नहीं हुए हैं, वो किसी वजह से फिर वो आएंगे, घर छोड़ के कोई जाएगा, बोलिए ऐसा। इस्तीफा दे दिया? इस्तीफा नहीं दिया उन्होंने। लालू यादव ने चिट्ठी लिख दिया, उन्होंने भी फिर नीतीश कुमार अभी, अभी क्या, जिस व्यक्ति को तबीयत खराब है जो आईसीयू में भर्ती है वो चिट्ठी कैसे लिखेंगे? इसमें बहुत बड़ा सवाल है भैया, ये बहुत बड़ा ये राजनीति है। इसको है क्या, ये झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया? झूठ फैलाया जा रहा है कि उन्होंने छोड़ दिया, तो लालू जी ने भी अपना ये चिट्ठी दे दी कि हाँ भाई ये आपका घर है। ऐसा कुछ, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? पारिवारिक मामला है और मैं ये समझता हूँ कि अब युवा और पूरा बिहार इस परिवार की ओर आस्था लगाए देख रहा है। भ्रष्टाचार अपराध मुक्त न्याय दल जहां भी आरजेडी के प्रत्याशी लड़ेंगे उनको जिताने का काम करेगा और स्वयं भी चुनाव लड़ेगा और चुनाव जीतकर और जितवाकर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। चलिए महाशय आपसे भी बात कर लेते हैं, आपका नाम क्या है? आप बहुत जोर से नारा लगा रहे थे। मैं राम सखा महतो हूँ। अच्छा, राजद प्रधान महासचिव बेगूसराय और बिहार के लिए बेगूसराय सबसे पहले अगुवाई करते हैं, एकदम फक्र से कह रहे हैं। बिल्कुल, 2015 में वो पलटू चाचा के साथ 7 विधानसभा में 7 महागठबंधन का विधायक बनाए और इस बार नहीं है तेजस्वी जी के साथ जो गठबंधन में हमारे जो गठबंधन दल आएंगे फिर हम लोग बेगूसराय जिला में 7 का 7 विधानसभा जीतेंगे और भाई तेजस्वी साहब को मुख्यमंत्री 2020 में बनाने का संकल्प पूरे बिहार के युवा लिए हैं। चलिए और बनाएंगे। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। कुछ बोलना चाह रहे हैं, आइए बोलिए। एक मिनट, आज जो वर्तमान स्थिति है किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान हो, मजदूर हो, बेरोजगार हो, नौजवान हो, आज गांव में चले जाइए तो एक एक गांव के गरीब मजदूर किसान जितने भी हैं सब चाहते हैं बदलाव हो और तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार युवा है, तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ेगा, युवा आगे बढ़ेगा तब बिहार का विकास होगा। ये मुर्दा सरकार, डबल इंजन के सरकार बिहार को बर्बाद कर दिया आ वो सरकार जो है केंद्र का मोदी देश को बर्बाद कर दिया, इसलिए बदलाव जरूरी है, बदलाव चाहता है जी, इसलिए बदलाव होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, आप बताइए बदलना चाहिए कि नहीं? आप पहले अपना नाम बताइएगा। बिल्कुल, मैं डॉक्टर शबनम आसिफ जिला अध्यक्ष हूँ, पूर्वी चंपारण से। आप आई हैं? पूर्वी चंपारण से आई हूँ मैं, मोतिहारी जिला से। चुनाव लड़ना है आपको इस बार? नहीं, बायोडाटा देने तो आई हूँ मैं जी। जैसा आदेश होगा मेरे पार्टी का मैं उसको मान लूंगी। हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब चुनाव लड़ने की इच्छा है? हाँ, इच्छा है हमारी। अच्छा, तो क्या क्या विकास करिएगा सबसे पहले अपने क्षेत्र में?
बिल्कुल अपने क्षेत्र में सबसे पहले शिक्षा पे मैं जोर दूंगी, हमारी सरकार देगी। और शिक्षा के अलावा जो कल कारखाने जो बाहर जाते हैं लोग काम करने के लिए, जो प्लान करते हैं, वो सारी फैक्ट्रियां लगानी है बिहार में, वो बिहार में फैक्ट्रियां लगाई जाएंगी, कोई बाहर नहीं जाएंगे, यहाँ से बिहार के अंदर ही उनको रोजगार मिलेगा। क्या एक विधायक फैक्ट्री लगवा सकता है? विधायक क्यों नहीं, मेरी पूरी पार्टी लगाएगी, मेरी सरकार लगाएगी, तेजस्वी जी लगाएंगे। सरकार का प्रपोजल होगा, मैनिफेस्टो होगा, हाँ वो करेंगे ऐसा। सरकार आ रही है और बिहार उज्जवल बिहार होगा, स्मार्ट बिहार होगा। किसी के शासन काल में ऐसा बिहार नहीं था, वैसा तेजस्वी जी हमारे बिहार बनाएंगे। मैं ये कामना लेकर ये संकल्प लेती हूँ, बिहार अच्छा बने हम भी यही चाहते हैं। बिहार की महिलाओं की जो वोट प्रतिशत है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे आरजेडी को मिले, हमारे राजद को मिले और हमारे तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बने। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बढ़िया। तो देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ हुजूम उमड़ पड़ा है और ये भी है शख्स है कुछ बोलना चाह रहे हैं, बताइए क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? लक्ष्मण कुमार साहू, प्रदेश महासचिव जी, राष्ट्रीय जनता दल व्यवसायिक प्रकोष्ठ जी। अच्छा, क्या चुनाव वगैरह लड़ने की महत्वाकांक्षा है? चुनाव तो लड़ा जाएगा, मजबूती के साथ लड़ा जाएगा। यहाँ आप क्यों मौजूद हैं ये बताइए, समर्थन में आए हुए हैं? समर्थन में पूरा बिहार है जी, पूरा बिहार समर्थन में है, तेजस्वी जी के समर्थन में। ज्यादातर देखा जा रहा है कि दरवाजे पे दस्तक अभी वही दे रहे हैं जिनको टिकट लेना है। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी आज कोई बात नहीं, हम लोग 30 साल से हैं, 30 साल से हैं समर्थन करते हैं उनकी और करते रहेंगे जी जी ठीक। हमें 10 में अगर जो टिकट लास्ट में नहीं भी मिला तो भी मैं साथ में था, 30 साल से मैं साथ में हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। लालू जी के बहुत सारे वफादार सिपाही हैं जो कि आपको नहीं बदल सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो गद्दार टाइप के हैं। अच्छा। जो गद्दार जो होगा कभी वफादार हो नहीं सकते। गद्दार कौन है, नाम बताइए, बताते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि संजय सिंह MLC मतलब जो है दो दो एक नहीं दो दो बार लालू जी ने बनाया, जबकि वो मुखिया से चुनाव हार गए थे, मुखिया में जीतने की हैसियत नहीं थी उनकी। गद्दार है तो बिल्कुल गद्दार है। फुलेना सिंह आपको लालू जी ने एक बार नहीं कई बार टिकट दिया और लास्ट में एक बार उन्होंने 5 में जीता और मात्र 80 वोटों से जीता, उनको जिताने का काम किया। और उसने उसके बाद जो है वो कभी ये आपको पार्टी के साथ नहीं रहे और उसको ललन सिंह के साथ घूरते रहे। वैसे व्यक्ति को अगले बार भी टिकट नहीं दिया था लालू जी और इस बार भी नहीं देने जा रहे हैं। चलिए 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 का नाम भी आपने। और जहाँ तक बात है रघुवंश बाबू की बात जो आई तो जदयू जो है, जदयू के मन में जो है बड़ा लड्डू फूटने लगा, लेकिन मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि रघुवंश बाबू कहीं नहीं जाएंगे, मैं यह दावे के साथ आ जाएंगे वापस घर वापसी। अरे घर में ही है, घर में ही है, घर ही नहीं है, घर में ही है। अब जब दावे के साथ ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरा बिहार कर रहा, आप कहीं भी पता कर ले, राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी कार्यकर्ता, क्या आपको आपको विश्वास हो रहा है क्या? ऐसा विश्वास हो रहा है आपको क्या कि कहीं जाना तो नहीं चाहिए? बस लिए आपको विश्वास हो रहा है, बोले किसी को जाएंगे तो वो रिस्पेक्ट नहीं मिल पाएगा। बिल्कुल नहीं जाएंगे, बिल्कुल नहीं जाएंगे, हम लोग कहीं नहीं जाने वाले।